चलिए अगला सवाल लेते हैं। हमारे साथ हैं सोमेश जालौर राजस्थान से। सोमेश बताइए क्या सवाल है आपका। सर मेरे सर एक तो टाटा पावर के शेयर हैं 200 शेयर और एक अंबुजा सीमेंट के 33 शेयर सर, तो दोनों में सर 10-15 साल सर निकाल सकता हूँ, तो क्या करूँ सर? 10-15 साल रुकने की इरादे हैं आपके? हाँ गावा सर, टाटा पावर और अंबुजा सीमेंट 10-15 साल तक रुकेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आप बताइए बड़े बड़े लक्ष्य। बस तो फिर अगर टाटा पावर में जब होल्ड ही कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, प्रोस्पेक्टिव 10-15 साल का बहुत अच्छा है। मैं अपनी पर्सनल मैंने देखा कि 10-15 साल जो स्टॉक मैंने होल्ड किया है तो काफी मुनाफा मिला है। आप इसमें एसआईपी भी कर लीजिए। अभी एक तरीका बता दो, जब भी इसमें कोई डिविडेंड मिल जाता है, हर साल मिलेगा डिविडेंड, उस दिन उतना पैसा जो मिलता है डिविडेंड फिर एक स्टॉक उसी स्टॉक में लगाइए। दोनों स्टॉक बढ़िया है, मुझे अच्छे लगते हैं 10-15 साल के प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से, तो उस दिन आप ऐड करेंगे तो आपका सालों साल जितने स्टॉक आज है उससे भी बढ़ जाएगा। तो होल्ड कीजिए, वैल्यू तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा लेकिन स्टॉक नंबर भी बढ़ जाएगा। तो जो डिविडेंड मिले उससे भी खरीदिए और वैसे भी खरीदिए, और 10-15 साल है तो बहुत अच्छे रिटर्न्स दोनों में आपको मिल सकते हैं, होल्ड करने की सलाह है आपके लिए। दीपक है हमारे साथ सारदुलगढ़ पंजाब से। दीपक बताइए। नमस्कार सर, मेरा नाम दीपक है जी। सर मेरे पास भारत ग्राहक के 5500 शेयर हैं। ओके सर, मैंने 189 पे लिए हैं इसको और अभी करंट प्राइस 244 है, क्या इसको मैं होल्ड करूं अभी? कितने दिन तक होल्ड कर सकते हैं आप? सर कर सकता हूं मैं इसको अभी एक वन मंथ तक होल्ड कर सकता हूं। ठीक गावा सर, भारत गियर्स 5500 शेयर इन्होंने ले रखे हैं 189 पे और इस समय चल रहा है 244.60, एक महीना या और रुक सकते हैं, तो बताइए क्या करना चाहिए? 225 का स्टॉप लगाइए बस, और कुछ नहीं, और होल्ड कीजिए, एक महीना हो जाए बेच दीजिए, क्योंकि अपनी मिलेगा यहाँ स्ट्रक्चर मुझे बढ़िया लगता है, अपू ऑन है, अब कंसोलिडेशन जोन है और कंसोलिडेशन में जो रिसेंट बेस बना है 225 का बना है, खाली उतना ही स्टॉप लगाइए बस और कंटिन्यू होगी, जब आपको बेचना है बेच दीजिएगा क्योंकि आपका टाइम अप हो जाएगा। बढ़िया स्ट्रेटजी, तो इसमें क्या करना है शार्दुल गढ़ से भाई साहब हमारे, 225 पे होश स्टॉप लॉस लगाइए और बने रहिए, ऊपर चलता जाए तो ठीक है वरना एक महीने तक आप देखिए फिर आप इसमें से निकल जाइए, प्रॉफिट में आप ऑलरेडी बैठे हुए हैं और क्वांटिटी भी आपके पास ठीक ठाक है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।